freak. Come on. Now, application of determinant of a matrix. सबसे पहले हम बात करते हैं consistent system. Consistent system उसे कहते हैं जिसका एक या एक से अधिक solution होता है. Inconsistent system उसे कहते हैं जिसका कोई भी solution ना हो. अब उसे solve कैसे करेंगे अगर वो system जो है consistent है उसे solve कैसे करेंगे? मान लिया हमारी इक्वेशन है a1x plus b1y plus c1z is equal to d1. दूसरी इक्वेशन a2x plus b2y plus c2z is equal to d2. तीसरी इक्वेशन है a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. तो a जो मैट्रिक्स होगी वो हमारी क्या होगी? कोफिशिएंट ऑफ x y z, जो इक्वेशन में x y z की कोफिशिएंट है वो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और x क्या होगा हमारा x y z इन कॉलम मैट्रिक्स एंड b क्या होगा b हमारा होगा जो ये कांस्टेंट है इनकी कॉलम मैट्रिक्स तो वी नो दैट हमने ये इक्वेशन कैसे सॉल्व की थी a की x में मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू b ax इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड ए इनवर्स इधर मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ए इनवर्स ए जी इनटू एच इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आई एक्स ए इनवर्स की ए में मल्टीप्लाई आई हो जाएगा आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आई एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई ए इनवर्स बी हो जाएगा हियर ए इनवर्स क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए बीटा Now, exercise 4.6. Question number 1 to 6, हमें ये चेक करना कि वो consistent है या inconsistent. तो, now, यदि A determinant does not equal to 0 हो जाए, तो इसका मतलब system हमारा consistent है. और यदि a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम नाउ सॉल्यूशन नंबर 1 अगर हम 1 की बात करें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ए मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स क्या आएगी हमारी ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 2 3 और एक्स मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी हमारी एक्स और वाई और बी इज इक्वल टू हो जाएगा लेकिन यहां पर उसने कहा कि आपको ये बताना कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट ये डिटरमिनेंट फायदा होता है 1, 2, 3 कितना हो जाएगा ये 3 - 4 इज इक्वल टू -1 दैट इज नॉट इक्वल टू इसका मतलब कंसिस्टेंस सेम एच डीआईपी सॉल्यूशन नंबर 2 डीआईपी डू इट्स प्रैक्टिस डीआईपी डू इट्स प्रैक्टिस and write the answer in comment box please now solution number 4 5 6 same process solution number 4 dip do its practice main aapko bata raha hu solution number 5 yahan par dekhiye equation लिखी हुई है 3x - y - 2z is equal to 2 स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे हुए हम 0 × x + 2y - z is equal to -1 3x + -5y और + 0 × z is equal to 3
यहाँ से हम पहले ए मैट्रिक्स लिखे, 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0 एक्स क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड और बी क्या हो जाएगा 2 -1 3 2 -1 3 यहाँ पर ए डिटरमिनेंट होता है 3 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0 इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दो 3 ± ± या ऐसे करो या ऐसे करो जैसे भी आपकी मर्जी हम ऐसे करें तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसमें एक जीरो आती है 3 ये आ गया 0 -5 फिर -0 प्लस कितना आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा ये हो जाएगा 1 और प्लस 4 तो कितना हो गया -15 + 15 = 0 तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी इसका मतलब इनकंसिस्टेंसी यदि हमारा इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा तो हम सॉल्व नहीं करेंगे यदि कंसिस्टेंट सिस्टम होगा तो हम सॉल्व करेंगे नाउ सॉल्यूशन नंबर 7 सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ए मैट्रिक्स 5 2 7 3 बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी 4 5 और एक्स मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी एक्स और वाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ए डिटरमिनेंट 15 - 14 = 1 डज नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स सिस्टम इज कंसिस्टेंट यानी कि सॉल्यूशन है अब इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम एडजॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे 2 by 2 की मैट्रिक्स है तो उसे हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कैसे करते हैं हम जो आपके डायगोनल वाले एलिमेंट है उसको हम इंटरचेंज करते हैं ये 3 और ये 5 और इसके साइन चेंज करते हैं ऑफ डायगोनल तो ये हम 2 by 2 की मैट्रिक्स में हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अब ए इनवर्स क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटरमिनेंट 1 से इसे डिवाइड करेंगे ये आपका आ जाएगा 3 - 2 - 7 और 5 हमारा ए इनवर्स आ गया नाउ वी नो दैट कि ए एच की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू बी ए और एच की मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू बी आ रहा है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड ए इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ए इनवर्स ये क्या होता आई इंटू एच इज इक्वल टू ए इनवर्स बी दैट मीन्स एच इज इक्वल टू ए इनवर्स बी ये इतना सिंप्लीफिकेशन आपको हर क्वेश्चन में सॉल्व करना है जहां पर भी ए इनवर्स पूछा जाता है यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा जाता है सॉल्व दिस इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड इस तरीके से लिखा हुआ आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड तब आपको इतना हर क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाना है एक्स की वैल्यू क्या है ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया ए इनवर्स की वैल्यू हमारी आई है 3 - 2 - 7 और 5 और b की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 4 और 5 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 12 - 10 - 28 + 25 तो ये हो जाएगा आपका 2 और -3 ये x और ये y तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू -3 है इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करके देखिए सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा तो हमें पता लग जाएगा कि आंसर हमारा
सही है या नहीं। x इक्वल टू 2 रखी n माइनस 6 इक्वल टू 4, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे 14 और माइनस 9 इज इक्वल टू 5, इसका मतलब आंसर हमारा सही है। तो इस तरीके से हम चेक भी करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 8, 9 एंड 10 DIP, डू इट्स प्रैक्टिस एंड राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स प्लीज। मिलते हैं। नाउ सॉल्यूशन नंबर 11 एंड 12, 11 ये इक्वेशन लिखी हुई है, इसे हमने थोड़ा सिंपलीफाई कर लिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन है। ये मैट्रिक्स आपकी ये होगी, एच ये हो गया और बी ये हो गया। अब हम यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस 2 लिया, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2 माइनस, यहाँ से हमने 2 लिया तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई ये आ जाएगा आपका 20 और प्लस के 6 आ गया, माइनस 2 लिया, माइनस 5 माइनस 3 और प्लस 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 68, डज नॉट इक्वल टू 0। नाउ अब हम क्या करें, इसके माइनर कोफैक्टर फाइंड आउट करें, एक तरफ माइनर करते हैं दूसरी तरफ कोफैक्टर। तो M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33, M11 का मतलब क्या हुआ, देखिए ये डिलीट ये डिलीट ये आ गया 26, 12 माइनस 10, 13, 6, 21 माइनस 5 और ये आपका आ गया माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8, 22 माइनस 10, 23 सच आ गया, 31 माइनस 2 ये आ गया, 2 आ गया माइनस का 2 और प्लस 5 ये आ जाएगा, माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10, क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ पर हम निकालेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इन दोनों का सम इवन नंबर है तो इसमें प्लस से मल्टीप्लाई, ओड नंबर माइनस से मल्टीप्लाई, 6 प्लस 8 माइनस 10 माइनस 6 प्लस 2 प्लस 6 और माइनस 10। तो यहां से एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 26 10 6 8 माइनस 10 8 माइनस 10 और माइनस 6 आ जाएगा, 26 माइनस 10 का ट्रांसपोज, क्या कर दिया इसका ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा आपका 26 8 2 10 माइनस 10, 26 8 2 10 माइनस 10 और 6 हो गया 6 माइनस 6 माइनस 10, ये हमारा आ गया एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटरमिनेंट, मीन्स 1/68 और ये हो जाएगा 26 8 2
टेन माइनस टेन सिक्स हो गया, सिक्स माइनस सिक्स और माइनस टेन, ये हमारा हो गया एक यूनिवर्स। अब हम क्या करेंगे, नाउ ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी हो गया, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए इनवर्स वन बटे सिक्सटी एट, इसकी मल्टीप्लाई हम बाद में कर लेंगे, ट्वेंटी सिक्स एट टू टेन माइनस टेन और ये आ जाएगा सिक्स, ये आ जाएगा सिक्स माइनस सिक्स और माइनस थ्री टेन, इसमें करेंगे बी से मल्टीप्लाई, वन थ्री नाइन तो ये हो जाएगा वन बटे सिक्सटी एट, ये आ जाएगा ट्वेंटी सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर प्लस एटीन, टेन माइनस थर्टी प्लस फिफ्टी फोर, सिक्स माइनस एटीन माइनस नाइनटीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया सिक्सटी एट, ये हो जाएगा माइनस थर्टी फोर और ये हो जाएगा माइनस वन हंड्रेड, तो कितना हो गया, इससे डिवाइड करेंगे ये वन आ जाएगा, ये माइनस का वन बाई टू और ये माइनस का थ्री बाई, दोनों तरफ हम अगर कंपैरिजन करें तो x इज इक्वल टू वन, y इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू और z इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के थ्री अपॉन टू, दैट इज योर आंसर। नाउ सॉल्यूशन नंबर 12 DIP Do its practice and write the answer in comment box. Please make a note.